वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कोलाजन सच में हमारे स्किन को बहुत बेटर बनाता है या कौन सा कोलाजन यूज करना बेटर है। सो हे गाइस, वेलकम टू गली गर्ल व्लॉग्स। मैं हूँ विशाली, आपकी लाइफस्टाइल ब्लॉगर। मैं इस चैनल में आपको बताती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स आप बिंदास यूज कर सकते हो और कौन से प्रोडक्ट से दूर रहना जरूरी है, प्लस हाउ टू लिव हेल्दी एंड हैप्पीली विद माय लिटिल लाइफ शेयर। तो क्या कोलाजन सप्लीमेंट सच में काम करते हैं? क्योंकि मैं बहुत सारे कोलाजन सप्लीमेंट्स देख रही थी एंड यू नो वो इतने भी सस्ते नहीं होते हैं कि आप यू नो बस कोई भी खरीद के फटाफट ट्रायल ले लो कि सच में काम करता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलाजन है क्या? तो कोलाजन एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन में पाया जाता है, बल्कि 70-80% ये हमारी स्किन कोलाजन से ही बनी हुई है। सो इट्स जस्ट लाइक वाटर फॉर आवर बॉडी। स्किन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे हियालुरोनिक एसिड, इलास्टिसिटी, बट कोलाजन इज मेन। अनफॉर्चुनेटली यही कोलाजन हमारी स्किन से घटता रहता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है। सो बेसिकली 30 की एज से ही हर साल 1-2% स्किन से कोलाजन है वो घटता रहता है, कम होता रहता है। लेकिन आजकल का बैड लाइफस्टाइल काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है जिससे प्री मेच्योर एजिंग हो रही है। रीजंस आर नो प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड, नॉट इनफ ड्रिंकिंग वाटर, एल्कोहल, सन एक्सपोजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस से भी बहुत ज्यादा कोलाजन हमारी स्किन से कम होता है। इसलिए जब हम कम एज के होते हैं तो हमारे स्किन में वो अमेजिंग शाइन होती है और स्किन काफ़ी थिक होती है। एज के साथ धीरे धीरे स्किन थिन यानी पतली होने लगती है और काफ़ी डल भी दिखती है। सो व्हाट अबाउट कोलाजन क्रीम? कोलाजन क्रीम लगाने से तो हमारी स्किन वापस मोटी हो जानी चाहिए, यू नो वो सारी चीज़ें बिल्डअप हो जानी चाहिए, राइट? अनफॉर्चुनेटली नॉट, बिकॉज जो कोलाजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाते हैं। बाय द वे, कोलाजन क्रीम एंड पेप्टाइड क्रीम्स आर डिफरेंट, ओके? ये दोनों को एक जैसा मत समझ लेना। पेप्टाइड एक्चुअली पेनिट्रेट हो सकता है स्किन में, तो दैट इज़ अनदर केस जो एक्सटर्नली हेल्प करता है। फिर लोगों ने सोल्यूशन निकाला टू ईट कोलाजन। अब खाने से तो फायदा होना ही चाहिए ना। तो स्टडीज के अकॉर्डिंग एक ग्रुप था जिन्हें कोलाजन दिया गया और कंपेयर किया गया उन लोगों से जिन्हें कोलाजन नहीं दिया था, तो 4-8 weeks के अंदर उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो समझ रहे हो ना, दैट इट डज वर्क। तो भाई आंसर तो सिंपल है कि यस, कोलाजन हमारे स्किन को बेटर करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब उस ग्रुप को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उनकी स्किन पहले से ज़्यादा बेटर, शाइनी और थिक होती जा रही थी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन इज, विच कोलाजन सप्लीमेंट इज गुड टू यूज़, राइट? बेसिकली तीन तरह के कोलाजन सप्लीमेंट्स होते हैं। फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन, सेकेंड जेलेटिन, थर्ड इज प्लांट बेस्ड कोलाजन। हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन मेनली नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो बेसिकली इसमें प्रोटीन को तोड़ तोड़ के उन्हें ईटेबल बनाया जाता है। सेकेंड जेलेटिन, अगर आप बोन ब्रॉथ पी लो तो उसमें आपको कोलाजन मिल जाएगा। थर्ड प्लांट बेस्ड कोलाजन, जो कि इंडियन फीमेल्स मोस्टली जो वेजिटेरियन हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी सारे सप्लीमेंट्स तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब यही बचा है प्लांट बेस्ड कोलाजन, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ। एक्चुअली मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ये, दिस इज़ फ्रॉम एंड मी इफ यू कैन सी। तो प्लांट बेस्ड एक्चुअली कोलाजन बूस्टर्स होते हैं जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही सारे यू नो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में कोलाजन बूस्ट होता है, तो इट्स नॉट डायरेक्ट कोलाजन। एंड मैंने एनमी का इसलिए प्रेफर किया क्योंकि हाई क्वालिटी के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज कोलाजन पीना इतना ईजी नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा लगा है। बाकी के अकॉर्डिंग जो उसका टेस्ट होता है, आई लाइक The taste of and me। Plus ये hyaluronic acid को भी increase करता है हमारे skin में, तो मुझे लगा कि it's like a complete package मुझे जो मिल गया है। Ingredient list काफ़ी impressive है, मैं बताती हूँ। तो basically strawberry fruit powder, इसका taste भी थोड़ा थोड़ा strawberry जैसा है। I think the flavor is raspberry flavor। तो इसमें strawberry fruit powder है, mineral and vitamins हैं, वो भी मैं बताऊंगी कौन से मिनरल एंड विटामिंस हैं। देन लेमन फ्रूट पाउडर, बीटरूट पाउडर, आयुर्वेदिक हर्ब एक्सट्रैक्ट विच इज़ सेसाबानिया, अगती, गोतुकोया, आमला, ग्रीन टी, लिकोरिस, अरेका नट, सी बकथ्रोन, एलोवेरा, टर्मरिक, जिंको, जिंक्सिन, रॉक सॉल्ट, हियालुरोनिक एसिड विच इज़ 30 mg, एंड स्टीविया एंड पर्ल पाउडर। सो आई थिंक इसमें सोने की भस्म भी है, बिकॉज इन्होंने मेंशन किया है कि मुक्ता एस पिस्टी एंड भस्मा विच इज़ एक्चुअली गोल्ड फ्लेक्स
50 mcg they have mentioned. तो यानी कि हमें सोना मोती सब मिल रहे हैं यहाँ. तो मैं आपको बता देती हूँ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. तो इन्होंने प्रोटीन एंड सोडियम भी मेंशन किया है थोड़ा थोड़ा. टोटल फैट 0, देन सोडियम इज 40 mg, देन दे हैव कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक, विटामिन B5, मैग्नीस, विटामिन B6, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन B7, सेलेनियम, विटामिन डी, विटामिन B12. OMG. तो इतना सब कुछ है. तो मुझे लगा कि भाई पूरा लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसे बोलते हैं, मुझे उस टाइप का लगा थोड़ा. तो मैंने कहा व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट. एंड मुझे अच्छा इसलिए भी लगा कि बिकॉज मोस्टली मैं शुगर अवॉइड करती हूँ. मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, तब से ही मैंने अपनी शुगर इनटेक बहुत कम कर दी है. बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर पाती हूँ इंडिया में रहते हुए. तो नो प्रिजर्वेटिव, नो शुगर, नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, इट्स कम्प्लीटली वीगन. तो ये मेरे लिए परफेक्ट है. अब आप बोलोगे कि मैं इस प्रोडक्ट की कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं करने लगी. तो मुझे लगा कि भाई ये तारीफ़ के लायक है तो क्यों नहीं. एंड अब तक लाइक 1 week हो चुका है इसे यूज़ करते हुए. तो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा ही रहा है अभी तक. इसके साथ मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं दिखे. इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे हैं नहीं, मैंने चेक किया था काफ़ी. तो आई डिडंट फाइंड एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेकिंग कोलाजन. और क्योंकि मैं अपने स्पेशल डे के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, जो कि आपको पता चल जाएगा आने वाली वीडियोज़ में, तो दिस इज़ अ गुड एडिशन फॉर मी टू यू नो एड इन टू माई रूटीन. प्लस मैं इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद या फिर इवनिंग में लाइक रात को सोने से पहले एक बार एक ग्लास ले लेती हूँ. तो लेट मी शो यू कि मैं इसे किस तरह से इनटेक करती हूँ. बहुत ईजी है. इज गुड. तो इससे मुझे याद आया, नॉट ओनली दिस, मैंने एक चीज़ और मंगाई है, आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक ड्रिंक टू हेल्प मी हैव हेल्दी एंड गुड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड टू हैव गुड गट हेल्थ. इसको मैं एक्चुअली गर्ल्स के लिए रेकमेंड करती हूँ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. इसमें है प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक प्लस वाइटमिन सी एंड इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है. तो यू नो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसको यूज़ करना भी ईजी है, इसमें इस तरह के सैशेज आते हैं. तो यू नो I really recommend it to the girls, women's out there, especially अगर आपको discharge issue है तो. वैसे भी मैं एंड मी के प्रोडक्ट्स 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रही हूँ अपने यू नो करियर, जब मैं ऑफिस जाती थी तब के टाइम से. तो या अभी तक का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है. बट अगर कहीं पे भी कुछ ख़राब होता है तो डेफिनेटली आई विल टेल यू गाइस. ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आपको सब बता ही देती हूँ. ऑल्सो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, तो यू नो प्लीज़ डू चेक इट आउट रेगुलरली. जो इनके परचेजर हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. यू नो इट्स वेरी ईजी टू ट्राई. ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. मैंने जो भी कुछ आपको बताया मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. जो जो भी मैं डाल सकती हूँ, उनकी वेबसाइट हो गई या अमेजोन, जो भी लिंक्स डाल सकती हूँ मैं सब डाल दूंगी. प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यही है अभी से पर्सनल कह लो या कुछ भी. तो या आई थिंक दिस इज़ इट. मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.